नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के असर से उबारने और देश में तरक्की को लेकर अपनी आर्थिक योजना का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार सृजन और नई टेक्नोलॉजी में निवेश पर उनका खास जोर होगा। बाइडेन ने सोमवार को 9 कारोबारी दिग्गजों और ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपनी योजना बताई। इस मीटिंग में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला और जीएपी इंक की सोनिया सिंघल ने भी हिस्सा लिया। जो बाइडेन ने कहा कि अभी कांग्रेस को मिलकर हीरोज कानून की तरह कोविड राहत पैकेज को पारित करना चाहिए। सदन ने 6 महीने पहले हीरोज कानून को पास किया था, जब हम वायरस को रोक लेंगे और कर्मचारियों और कंपनियों को आर्थिक राहत देना शुरू कर देंगे, उसके बाद हम ऐसा फैसला करेंगे जो पहले से बेहतर होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि हम ये बात करते हैं कि कैसे हमारे पास ज्यादा मजबूत होने का मौका है, कैसे हम अपनी जुझारू क्षमता बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पूरे अभियान के दौरान वह पहले से बेहतर योजना के बारे में बोलते रहे हैं। आपको बता दें कि मूडीज के एक स्वतंत्र विश्लेषण में 1.86 करोड़ रोजगार के मौकों के सृजन का जिक्र किया गया है। बाइडेन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा कि हम जलवायु की काफी बात करते हैं, संघीय सरकार को स्वच्छ ऊर्जा शोध में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।